राम राम भाई, सभी को आपका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और आज दिखाते हैं आपको देसी डाइट, जो भाई बोलते हैं वेट बढ़ाने के लिए हमें देसी डाइट चाहिए। तो अभी देसी डाइट दिखाते हैं, बेसन का हलवा देसी घी में कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने कढ़ाई रखी हुई है पास आ जाए, पहले हमने कढ़ाई रखी हुई है, अभी इसको गर्म होने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो भाई एक चम्मच घी डाल लो पहले पूरा, एक चम्मच डाल दो घी, और उसके बाद पीछे हो गए, उसके बाद आगे में बर्तन फिरा, एक बर्तन में दूध ओंटने के लिए रख दो, दूध उबलने के लिए रख दो। उसका भी बताऊंगा मैं, उसका रीजन क्या है। कैसा है, कैसा लग रहा है? अबे ताजमहल कैसा लग रहा है भाई? भाई ये मेरे दोस्त की कंपनी है, उसकी फैक्ट्री में से मैंने मंगाया था ये, अभी हो गए इसको 10-15 दिन हो गए ना, अभी नए मंगाए। तो भाई चमचा में पहले ले लो अपना बेसन, ये अब जो मेरा ये बेसन है ये है 3 बंदों का बेसन, मतलब 3 बंदे आराम से खा सकते हैं। ठीक है भाई, और मैं जो बोलता हूँ ना बात बात पे, ठीक है ना भाई? बहुत पकड़ रहे हो, कमेंट आ रही है कि भाई बात बात पे बोलते हो ठीक है ना। तो ठीक है ना मैं इसलिए बोलता हूँ, जहाँ भी हमारा हमारी चीज़ हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम बोलते हैं ठीक है ना, या आपने देखा ठीक है ना, आप इस आपको कैसा लगा ठीक है ना, तो और क्या बोलूँ भाई, यही है। और आपने यही पकड़ लिया यार, ऐसा मत करो। तो इसको चलाओ भाई, काफ़ी टाइम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाल होने लगेगा, थोड़ा भुनने लग गया, ये थोड़ा भुन जाएगा और लाल होने लगेगा। और ये अब सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों में बहुत काम आने वाली चीज़ है, सर्दियों में बहुत वेट बढ़ाएगी, कैल्शियम पावर बहुत ज़्यादा, इस हद तक देगी कि सर्दियाँ पार होंगी और आपने ये खा लिया ना 3 महीने, ये बोलोगे मैच भाई क्या है ये, इतनी पावरफुल चीज़। तो आप देखना इसको, इसकी प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। सर्दी आ रही है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, तब तक सर्दियों में खाई जाती है ये। कोई भी इंजरी हो कमर में कहीं भी, क्योंकि ये गर्मी इतना है कि जहां भी आपकी इंजरी है ना वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। मैं तो बोलूंगा ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। उधर दूध उबल गया क्या भाई? साइड भी दूध उबल रहा है, इसका मतलब इससे हम क्या काम निकालेंगे अब दूध से? डायरेक्ट भी दूध डलता है, फिर उसके बाद जब चीनी डलती है ना उससे क्या होता है, गांठ बन जाती है छोटी छोटी हलवे में, जो कि हमें बहुत हलवा बकवाद लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो जो हलवा अच्छा लगे, ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट हो जाएगी, मैं दिखाता हूँ अभी। जिंदगी में दूध में उबाल ही नहीं आ रहा यार, हटी है चीनी डाली, चीनी डाली हमने, फिर से थोड़ी चीनी डाली, ठीक है उबाल लेते हैं। उबाल के डालते तो और जल्दी और उबल जाता है।
ठीक है ना भाई। तो अभी उसको भी होने दो और इसको भी होने दो। तो भाई हमारा हलवा हो गया है, देखो थोड़ा रेड सा, ठीक है, दूसरा हमारा दूध भी रेड हो गया है। और भाई एक बात और बता दूं, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, ये मैं सोचना है भाई किसी की कमेंट नहीं पढ़ रहे। डाइट के लिए आपने बोला है तभी मैं डाइट बना रहा हूँ, ऐसे मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा। आपने बोला भाई वेट के लिए कुछ चाहिए, गेन के लिए, तो गेन के लिए मैं आपके लिए डाइट बना रहा हूँ, ठीक है ना। और एक भाई बोल रहे थे कि स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए भाई, जैसे वर्कआउट करने जा रहे हैं तब नहीं करनी चाहिए। तो भाई फिर क्या करना चाहिए, वो जो मैंने डायलॉग मारा था रात को मून कर दो, समझ गए, समझदार को इशारा काफी है, तो वो करके मारे क्या रनिंग। तो भाई स्ट्रेचिंग करके रनिंग करो, और जब आपकी मेहनत ख़त्म हो जाए, जो भी आपने वर्कआउट किया है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग दो तरह की होती हैं, एक तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी वर्कआउट को, और जब ख़त्म कर रहे हो वो स्ट्रेचिंग अलग होती है। वो तो मैंने अभी दिखाई नहीं है आपको, वो स्ट्रेचिंग अभी मैंने दिखाई नहीं, मैंने वो दिखाई जब हम गर्म हो गए करते हैं, और जब बड़े एथलीट हो जाते हैं ना, जब एक लेवल हो जाता है तब पता चलता है स्ट्रेचिंग का महत्व असली क्या है। इंजरी होती है ना जब बहुत, तब पता चलता है कि स्ट्रेचिंग से कितने फायदे हैं, ठीक है भाई। तो कमेंट में आप बोल तो रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में बोल रहे हैं भाई तो मैंने वो पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, कि वो अप, जब हम अप होते हैं मेहनत के लिए गर्म होने जा रहे हैं वो स्ट्रेचिंग अलग है, जब हम ठंडे होते हैं डाउन मारते हैं वर्कआउट उस वो स्ट्रेचिंग अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कमेंट सभी पढ़ रहा हूँ, ये मत समझो कमेंट नहीं पढ़ते मैथ भाई, कमेंट पढ़ रहा हूँ, जो जो ठीक ठीक लग रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ करके दिखाता रहूँ कंटिन्यू, वो चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी किशमिश देखो धोली है, क्योंकि किशमिश में किरकिरापन होता है, ठीक है। आपका अगर कोई ड्राई फ्रूट गिरने का मन कर रहा हो तो डाल सकते हो, ठीक है। ये नहीं है ये हलवा ही बनाओ नॉर्मल, जो आप काम कर रहे हो डाल सकते हो, ठीक है। मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दी किशमिश, आप खाओगे किशमिश तो हो जाओगे डिसमिस, ध्यान रखना, खाओगे काजू तो बन जाएगी बाजू। इसको पहले डालो दूध से पहले, दूध से पहले ड्राई फ्रूट डाल लो, क्योंकि बाद में ये कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं। अभी दिखा दे किशमिश का क्या हाल हो गया, दिखाओ, ये किशमिश फूल गई है अभी से, ठीक है, अभी देखते रहो। दिख रही है कितनी मोटी मोटी हो गई किशमिश, ये रही जैसे ये कितनी मोटी हो गई, ऐसे ड्राई फ्रूट पहले ही थोड़े इसमें जो है उनको टाइम लगता है, फिर वो कच्ची कच्ची रह जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे, ठीक है। जितने टाइम पहले डाल दें, जितने टाइम पहले मैंने डाल दें, अब डाल दो आप थोड़ा सा, ठीक है। इसको चलाते रहो, बहुत टाइम चलाना पड़ता है दूध डाल के, ठीक है ना। अभी इसको चलाते हैं, चलाते रहो थोड़ा 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 करके, ठीक है। अब डालते हैं फिर से दूध,
दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है, उसके चलाते रहना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दूध ये अपने आप मांग करेगा, ये दिख जाएगा, टाइट हो जाएगा ना, जब टाइट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दूध मांग रहा है। ये खुद नहीं कहेगा मुझे दूध दे दो, ये खुद नहीं कहेगा, ठीक है ना। दिखाइए और कैसे कहेगा मुझे दूध दे दो, खुद नहीं कहेगा, तुम्हें डालना पड़ेगा दूध, ठीक है। ये हो गया, अब दूध और डलेगा, ऐसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। ठीक है, अब बहुत हुआ क्योंकि दूध काफी पतला हो गया ये। ऊपर से भी भाई इसको खा के ना, इसको खा के मेहनत ही करनी है, कोई और काम कर बैठना, ठीक है। पावरफुल चीज है, अच्छे कामों में लगाओ ताकत को, मेहनत, डाइट भी दिखाएंगे मेहनत भी दिखाएंगे, लेकिन जो भी आपको कोई दिक्कत हो या कोई भी ऐब हो उसे छोड़ दो, ठीक है। डाइट की टेंशन ना लो, डाइट भी दिखाता रहूंगा। बहुत कैल्शियम, बहुत पावरफुल चीज़ है, घी में बन रही है, दूध इसमें लगा हुआ है और बेसन इसमें डला हुआ है, ड्राई फ्रूट डल गए, ठीक है। तो ये पावरफुल डाइट बन चुकी है, बेसन का हलवा फट भी पीछे हो, बन चुका है हमारा बेसन का हलवा, ठीक है। और भाई देखो प्यार की कोई कमी नहीं है, प्यार बहुत मिल रहा है, यूट्यूब फैमिली हमारी बहुत प्यार दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपके लिए यही नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दिखाता रहूँगा, ठीक है। सर्दी आ रही है तब तक प्रैक्टिस कर लो, ठीक। फिर से बोलोगे फिर से बना दूंगा अगले हफ्ते कि भाई बेसन का हलवा फिर से सीखना है, फिर से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बन गया ये पूरा, ये पूरा बन चुका है, ठीक है। और सबका प्यार मिल रहा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि भाई भाई हमारा प्यार नहीं दे रहे, सब भाई हमें प्यार दे रहे हैं, पूरा मज़ा आ रहा है, हमें भी काम करने में मज़ा आता है जब हमको आपकी सपोर्ट मिलती है, ठीक है ना। तो मेरा जो ये ठीक है ना है, इसको मत देखना कि ठीक है ना, इसको वोट डालते हो नीचे कमेंट में, भाई ये क्या बोलते हो ठीक है ना, तो ये मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना। तो बने रहो, जुड़े रहो, ठीक है। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई। चाची ने तो नाश्ते में हलवाई पहन लिया, मजा आ गया। सुनो अभी मुझे ही देख रहे हो, जाओ हलवा बनाओ, सीखो और खाओ, ठीक है ना। और सुनो, सब्सक्राइब करे बगैर अगर तुमने हलवा बनाने की कोशिश करी, हलवा जल जाएगा, फूक जाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा, मुझसे मत कहना मैं तुम्हें मज़ा नहीं आया, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, ऑटोमेटिक हलवा ऐसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में, 3-4 दिन में वीडियो आएगी, बताता हूँ किस चीज़ के लिए लूँगा, ठीक है ना, वो उसी दिन बताऊँगा आपको।